हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नॉर्मल एलईडी बल्ब को मल्टी कलर एलईडी बल्ब में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसकी बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है, आप वीडियो देखकर आसानी से घर पे इसे तैयार कर सकते हो। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज, अब हमें एक ख़राब एलईडी बल्ब ले लेना है, क्योंकि हमें कोई नए एलईडी बल्ब की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब इसके हम खोल के सारे जो भी कंपोनेंट है इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो पहले मैं एलईडी लाइट को सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हटा लेते हैं इसके, और उसके बाद इसका जो ड्राइवर सर्किट है उसको भी हमें बाहर निकाल लेना है, क्योंकि मैंने जो एलईडी बल्ब लिया है ये पूरी तरह से ख़राब एलईडी बल्ब है, इसलिए मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। और गाइस, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसके सारे कंपोनेंट बाहर निकाल लिए। अब हमें इसके साथ अंदर की साइड दो वायर कनेक्ट करने हैं, जिसके साथ हम ये मल्टी कलर की डीओपी को कनेक्ट करेंगे। गाइस, ये आपको 7 कलर की डीओपी आपको इजीली मार्केट में 20 से 30 रुपये में मिल जाएगी, और ये डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से चलती है। इसके लिए कोई भी ड्राइवर सर्किट की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसको हीट सिंक के साथ कस लेता हूँ अच्छी तरह टाइटली, ताकि ये गर्म होने पर इसकी हीट सिंक में ट्रांसफ़र हो जाए। अब इस पे जो कनेक्शन पॉइंट है वहाँ पे हमें दो वायर को कनेक्ट कर लेना है। आप कैसे भी कनेक्शन कर सकते हो इसके, क्योंकि ये एसी लाइन है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर लिए। अब जो हमारा बीच में होल है सेंटर में, इसके अंदर से हम दोनों वायर को पीछे की साइड निकाल लेते हैं बाहर, और उसके बाद जो एलईडी बल्ब की बॉडी है उसके अंदर की साइड हमें ये दोनों वायर को कनेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आप उसी हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो। मैंने जो इस पर होल बने हुए थे उसकी सहायता से दोनों वायर को पीछे की साइड निकाल लिया है, और अब हम एक बार इस डीओबी को अच्छी तरह यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और इसके बाद हम ये दोनों वायर है यहीं पे इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर को सोल्डर कर दिया है, और अब हमें एक बल्ब होल्डर चाहिए, जिसके साथ में हमें दो वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद में हम इसका टेस्ट करेंगे। तो गाइस, मैंने होल्डर के कनेक्शन कर दिए हैं। अब इस एलईडी बल्ब को होल्डर में लगा देते हैं और इसको 220 वोल्ट एसी से कनेक्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा एलईडी बल्ब ग्लो होने लग गया है, और हम जितनी बार इसको बंद चालू करेंगे उतनी बार ये अलग कलर में ग्लो होगा। और इसमें आपको दो तीन टाइप के मोड मिलेंगे, जिसमें ये कई बार कम या ज़्यादा भी होगा। तो आप देख सकते हो, इसका अलग अलग टेस्ट भी कर सकते हो आप। अब मैं इसका ऊपर का डिफ्यूज़र को बंद कर देता हूँ, और इसके बाद में इसका हम टेस्ट करेंगे। तो गाइज, फाइनली हमारा 7 कलर एलईडी बल्ब तैयार हो गया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।